कुछ दिन पहले हमने किया था ओप्पो का एक फोन का रिव्यू, ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G, एक बहुत ही स्लीक डिजाइन वाला और बहुत ही प्रीमियम देखने वाला फोन था। एंड एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस था, इसलिए मैंने कुछ दिन इसको यूज करके भी देख लिया। एंड अगर नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस को छोड़ भी दे तो भी ना, इस फोन में आपको बहुत सारे हिडन मैजिकल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पे मैजिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम खुद इसको यूज करोगे ना, तो फिर इसके जो फीचर्स है वो तुम्हारे माइंड को बहुत ज्यादा ब्लो करने वाला है और तुम सोचोगे कि क्या फीचर्स थे भाई, मजा ही आ गया। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द टॉप 10 फीचर्स ऑफ दिस फोन। तो इनको तुम काइंड ऑफ हिडन फीचर्स भी कह सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान सेटिंग्स में घुस के इतने सारे फीचर्स को एक्सप्लोर नहीं करने वाला, और हम तो ठहरे स्मार्ट कर लिया। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो शुरू करते हैं लिस्ट विद सम धमाकेदार ट्विस्ट। वेल, फिल्म जैसा तो कोई ट्विस्ट है नहीं, बस वो डायलॉग बाजी के लिए किया वर्ड को। सो फीचर नंबर 1, स्मार्ट स्लाइड बार। ये बेसिकली काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपके स्मार्टफोन पर ना, इसी स्मार्टफोन पे यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग टैब वगैरह कुछ देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप कुछ ऐसे करोगे तो फिर आपको यहाँ पे ना एप्स देखने को मिलेंगे जिनको आपने सिलेक्ट किया था। उसके बाद 2 फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है जिनको आप एडिशन कर सकते हो, बाद में जाके कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। मेन बात की गेमिंग अगर आप करते हो स्मार्टफोन से, तब भी ना आपको ये स्मार्ट स्लाइड बार काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक फ्लोटिंग टाइप कुछ है। जैसे आप इसको ऐसे करोगे तो फिर आपको बहुत कुछ यहाँ से शो करेगा, मतलब बहुत कुछ है, थोड़ा बढ़ ही गया। यहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ कर पाओगे, उसका टच ऑप्टिमाइजेशन, वॉइस चेंज आप यहाँ से इनबिल्ड है, यहाँ पे सब कुछ चेंज कर पाओगे। उसके बाद एडिट वगैरह कर पाओगे, ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से देख लो कि टेम्परेचर वगैरह सब कुछ है, मतलब गेमिंग के लिए जितने भी प्रोफेशनल चीजें चाहिए ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के रिगार्डिंग सेकंड फीचर है फ्लेक्सिबल विंडो, मतलब स्मार्ट स्लाइड बार तो आप यहाँ से ओपन कर लोगे, उसके बाद तुम इसके अंदर से कुछ एप्स को यूज कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा हैंडी हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि आप किसी ऐप को यूज कर रहे हो, जैसे कि प्ले स्टोर को ही यूज कर रहे हो, उसके बाद यहाँ से किसी ऐप को आपने देख लिया, आपको इसे परचेस करना है, तो फिर अभी आप सोचोगे कि बैंक में कितना होगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करना है, मतलब मेरे पास जो पैसा है उससे अगर इस ऐप का जो मनी है उसको माइनस करना है, तो फिर कैलकुलेटर तो चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर पे किया टैप, टैप करते ही ना आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज ए फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे एक कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, जिसपे आप कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हो, एडिशन वगैरह, उसके बाद सबस्ट्रैक्ट, डिवाइड, सब कुछ अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। आप इसको छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इससे कहीं पे भी प्लेस करना है तो फिर ऐसे करके आप प्लेस कर सकते हो। उसके बाद मान लो कि तुम गूगल में कुछ सर्च वगैरह कर रहे हो, तो फिर नोट भी ले सकते हो ना। कैसे, यहाँ पे ऐसे करके स्लाइड करो, उसके बाद यहाँ पे कीप नोट्स करके है, या फिर कोई सा भी नोट वगैरह जो ऐप होता है इसको ओपन करो। ओपन करते यहाँ पे जो है नोट पैड ओपन हो जाएगा, बस यहाँ पे कुछ भी आप टाइप वगैरह कर सकते हो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट है किड स्पेस। तो बेसिकली अगर कोई भी बच्चा इस फोन को यूज कर रहा है, तो फिर तुम इस फीचर के वजह से ना कुछ एप्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ताकि जो बच्चा है जो फोन को यूज कर रहा है वो सही तरह से फोन को यूज करे, आई मीन टू से कोई भी गलत वेबसाइट या फिर कुछ भी ना देखे, क्योंकि कुछ विजुअल्स ऐसे होता ना कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, वो ले नहीं सकते। उसके बाद फोर्थ फीचर है वन हैंडेड मोड। कभी कभी ऐसा होता ना कि हमारे इस हाथ में बैग वगैरह होता है, उसके बाद हम ऐसे करके यहाँ पे हमारा अंगूठा जाता नहीं इस कोने पे, सो क्या करें, कुछ नहीं, यहाँ पे जो वन हैंडेड मोड है उसको अनेबल कर दो। अनेबल करते ही क्या होगा, देखो जैसे मैं ऐसे करूंगा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, आप ऐसे करके बैग वगैरह कर सकते हो, सही है ना। सो बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो स्क्रीन का एकदम टॉप वाला पोर्शन है उसको नीचे ला के देता है, ताकि आप ऐसे करके टच कर सको, क्योंकि उंगली का काम जरूरी है ब्रो। फ्रेम ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट अगर तो फोन दे दो तो वीडियो शूट करता रहता। अरे काज ऐसे भाई देऊ ना फॉर है ओखन ओखन लागबो भाई देओ देओ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि लाइक आप देना नहीं चाहते किसी को अपना स्मार्टफोन, क्योंकि स्मार्टफोन पे बहुत कुछ है होता है, तो यहाँ पे ना एक फीचर है ओप्पो ने ये इनबिल्ट दे रखा है, वो है सिस्टम क्लोनर करके। इसको अगर आप अनेबल करोगे तो फिर आपका जो स्मार्टफोन है ना वो एकदम से नया हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, एक नया इंटरफेस रहेगा। आपका इंटरफेस तो रहेगा ही, उसको आप बाद में स्विच कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर है गेमर्स के लिए, और इसको ना ओप्पो ने नाम दिया है हाई परफॉर्मेंस मोड। और ये ना तुम्हें कोई भी स्पेसिफिक गेमिंग मोड पे जाके नहीं मिलने वाला, नॉर्मली सेटिंग्स में जाके बैटरी का जो ऑप्शन रहता है वहां पे आपको एडवांस सेटिंग्स लिखने पर ही मिल जाएगा। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस को ऑन कर दो, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, स्पेशली गेमिंग के वक्त आप ये महसूस कर पाओगे जो स्पीड है। हाँ, बैटरी थोड़ा बहुत ड्रेन होगा, बट गेमर्स बैटरी से थोड़ी फर्क पड़ता है, परफॉर्मेंस चाहिए अपन को।
हैं। नंबर 7, एक बहुत ही कमाल का फीचर, मतलब सच में बहुत ही कमाल का। इस फीचर से ना तुम अपने फोन को दूर से अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके इजीली यूज कर पाओगे, आई मीन से कंट्रोल कर पाओगे, मैजिशियन बन जाओगे भाई। मतलब सीरियसली मैं आपको दिखाता हूँ क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो फिर आप देखना, ठीक है क्या हो रहा है देख रहे हो? आप हाथों को ऐसा ऐसा करोगे तो फिर ये स्क्रॉल मतलब नीचे जाएगा, और ऐसा ऐसा करोगे तो फिर ये ऊपर जाएगा। और मान लो कि अगर आपको वीडियो को पॉज करना है तो फिर हाथ को ऐसे करना है पुश, मतलब हवा में, हाँ, तो फिर ना इसका जो कैमरा है वो आपका जो हाथ का मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करके कमांड ले लेता है, काम कर लेता है, मतलब पॉज प्ले कर सकता हूँ। और ये ना सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एप्स पर ही काम कर रहा है, लाइक यूट्यूब एंड फेसबुक का ऑफिशियल ऐप। वेल, फीचर नंबर 8 है व्लॉगर्स के लिए, और जो फीचर है उसका नाम है डुअल व्यू। हाँ, कैमरे की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर आप कैमरे को ओपन करोगे उसके बाद मोर पे जाओगे, देन आपको ना यहाँ पे डुअल वीडियो व्यू करके, सॉरी डुअल व्यू वीडियो करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है आप देख लो, सामने भी आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद पीछे भी दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप चाहो तो व्यू का जो मोड है उसको आप चेंज कर पाओगे। सो ऐसे करके आपको शो करेगा सामने भी पीछे भी, दिखाई दे रहा है ना। So, ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है अगर आप एक व्लॉगिंग चैनल ओपन करने की सोच रहे हो और आपको मतलब अपना एक्सप्रेशन दिखा के पीछे का व्यू दिखाना है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। नंबर 9, हाँ कैमरे के ही रिलेटेड है, वो है वीडियो का प्रोमो। उसको भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, आप आई बटन पे जाकर देख सकते हो, वहां पे मैंने दिखाया कि ISO वगैरह, उसके बाद शटर स्पीड, उसके बाद अपर्चर वगैरह सब कुछ चेंज कर पाओगे आप वहां से। नंबर 10 है बैटरी रिलेटेड फीचर, ताकि इस फोन का बैटरी रहे सुस्त और तंदुरुस्त। देखो, अगर हम रेगुलरली किसी भी स्मार्टफोन के बैटरी को 10% के नीचे यूज करते हैं तो फिर ना उसका हेल्थ दिन ब दिन घटता ही रहता है। सो ओप्पो ना एक बहुत ही कमाल का फीचर ऐड करता है बैटरी के लिए, वो है टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली का ऑप्शन। सो इसमें क्या होता है कि आप ना यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कितने परसेंटेज तक आपको मतलब बैटरी को रखना है, उसके बाद ये टर्न ऑफ होना चाहिए। आप यहाँ से ये सेट कर पाओगे, लाइक अगर आप 10 सेट करोगे तो फिर 10% जब आएगा तो फिर ना ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, ताकि बैटरी का जो हेल्थ है वो सही रहे। और उसी के रिगार्डिंग और एक चीज प्रोवाइड करता है, वो है ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग, ताकि बैटरी स्लोली स्टेडीली चार्ज हो और बैटरी का हेल्थ भी सही रहे। और हाँ, इससे ना वो फास्ट चार्जिंग ऑफ हो जाता है, नॉर्मली चार्ज होता है। तो यही थे 10 बहुत ही कमाल के फीचर्स ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G के रिगार्डिंग। आपको कौन सा वाला फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके बताना, मेरे को पता है कौन सा वाला सही लगा होगा। हाँ, वही वाला। बाकी इस फोन का और जो भी चीज देखना है आप उसको कमेंट करके बता सकते हो, तो फिर मैं ट्राई करूंगा उनको शोकेस करने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना सपोर्ट के लिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यस, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय। दे आवाज करें ना।